बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है जी, वो शेयर कर दूंगा। आज ईद अज़हा पाकिस्तान में थी, कल परदेशियों की थी। ये आप आज आप टरू बना रहे हैं और हम ईद मना रहे हैं। बहरहाल जी, इस वक्त मैं एक पार्क में मौजूद हूँ, देख लें, और फैमिली के साथ थोड़ा घूमने फिरने के लिए, घर के साथ ही है, गाँव के साथ ही बोल रहे हैं आप। तो बहरहाल जी, अगर हम डॉलर के मुतालिक बात करें 287 के अराउंड में, एंड एक चीज़ के मुतालिक आपको मैं बताता चलूँ इसी वीडियो में, कल तफसील से बताऊँगा इंशाल्लाह। भाई 30 तारीख को IMF के साथ हमारा जो माहिदा है वो ख़त्म हो रहा है। अगर 30 तारीख तक तो डॉलर यानी कि IMF से हमें कुछ मिलता है तो भाई डॉलर हो सकता है कम हो, यानी कि रियाल भी हो सकता है कम हो। अगर भाई कोई किसी किस्म का लेन देन वाला मामला ना हुआ, यानी कि हमने तो लेना ही है बस, तो भाई फिर डॉलर हो सकता है नायाब हो जाए। बहरहाल ये आने वाले 2-3 दिन में पता चल जाएगा। कल मैं इसके मतलब आपको तफसील से बता भी दूंगा। अगर हम रियाल रेट के मतलब भाई बात करें तो आज का जो पाकिस्तान के लिए एक्सचेंज रेट है वो आपको मैं बता दूं जी, 76.33 रुपये और हाई हो चुका है। और अगर इंडिया की बात करें तो 21.89 रुपये, बांग्लादेश टके की बात करें तो भाई 28.87 रुपये हो चुका है। दूसरी बैंकों के हिसाब से आपको बताता चलूँ, यहाँ पर मैं इनमें तहवील राजी बैंक की अगर हम बात करें तो इनका आज का रेट 75.35 रुपये, 10, 17 और 23 रियाल इनकी फ़ीस होती है। अगर वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो इनका आज का रेट 75.62 रुपये हाई रेट है, 10, 17 और 23 रियाल इनकी फ़ीस है जी। अगर मनीग्राम की बात करें तो 75.49 रुपये इनका रेट है, 23 रियाल इनकी फ़ीस है जी। अगर टैली मनी यानी कि ANB बैंक की हम बात करें तो इनका आज का रेट 75.19 रुपये, 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस है। अगर हम बात करते हैं जी STCPay की, तो STCPay का आज का रेट 75.35 रुपये, 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। और अगर बात करें फौरी बैंक यानी कि बैंक जजीरा की, तो इनका आज का रेट 75.65 रुपये और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस है। अगर हम इंजाज बैंक से पैसे भेजना चाह रहे हैं तो इंजाज बैंक का आज का रेट 75.42 रुपये, 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। और अगर क्विक पे से आप पैसे भेजना चाह रहे हैं तो क्विक पे का आज का रेट भाई 75.62 रुपये, इनका भी हाई रेट है और इनकी भी 10, 17 और 23 रियाल फीस है। बहरहाल ईद वीकेंड ख़त्म होगा जब, उतनी देर में भाई ये मसला भी पता चल जाएगा कि रियाल 2-4 रुपये नीचे आता है या 5-10 रुपये ऊपर जाता है।